विरोध की कड़ी। जी हाँ, हम किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं जिसको लगभग 2 महीने हो गए हैं और ये अभी भी उतनी ही तेजी से बरकरार है जितना कि पहले दिन से। आज हम पानीपत के टोल प्लाजा पर मौजूद हैं और हमारे साथ हरमिंदर सिंह सिद्धू जी मौजूद हैं। आइए हम उनकी राय लेते हैं कि वो किसान आंदोलन को किस नजरिए से देखते हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका किसान आंदोलन को लेकर क्या रवैया है? हमारा तो जो रवैया बिल्कुल साफ है आपके सामने, इस किसान आंदोलन को जो भटकाने की सरकार की कोशिश थी वो नाकामयाब हो चुकी है, तो रवैया तो हमारा साफ ही है। तो सर, जो 26 जनवरी को हुआ है लाल किले पर, तो आपको क्या लगता है कि वो आपके ही बंदों के द्वारा किया गया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ये हर किसी को पता लग चुका है कि ये सारे के सारे जो भी लाल किले पर 26 जनवरी पर जो भी उस दिन घटना घटी है वो सारी की सारी बीजेपी और RSS के आदमियों ने की है और वो आपके मीडिया के माध्यम से वो उजागर हो चुका है। और जो दीप सिद्धू है उसने ये अपने कबूल भी कर लिया है कि ये जो है करने में मेरा हाथ है और मैंने ये सब किया है। उसके बावजूद भी अगर सरकार जो है ये हमारे जो भोले भाले किसानों को ये आरोप लगा रही है तो ये गलत है। तो आपका जो ये लंगर वगैरह है ये अब चल रहा है, ऐसे जारी रहेगा? बिल्कुल जी, अब बिल्कुल ये जारी रहेगा। तो उस दिन जो है रात को आके जो हरियाणा सरकार ने हमारे कुछ यहाँ पे वॉलंटियर्स थे जो लंगर जो है उस दिन जबरदस्ती उठवाया। ठीक है, चलो प्रशासन आई, हम पुलिस को नहीं कहते, पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ है, हमारी वो पूरी मदद कर रहा है। लेकिन ये है कि जो परसों हमारे जो है सारे जो आसपास के गांव हैं, पूरा पानीपत है, उसमें हमने जो है सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया गया कि जब लॉकडाउन के टाइम, मुसीबतों के टाइम में ये वही प्रशासन है, ये वही सरकार है जो हमारे गुरुद्वारों में आके ये कहती थी कि जी आप लंगर लगाओ, गरीब आदमियों को बड़ी जो है दिक्कत आ रही है, तो हम अब जो है अपने किसान भाइयों के लिए अगर लंगर लगा रहे हैं तो इस हरियाणा सरकार को या भारत सरकार को क्या दिक्कत है? आप एक और चीज़ देखिए कि यहाँ पे जितना भी लंगर है वो कोई खाली किसान नहीं खा रहा, 30% हमारे किसान भाई जो आ रहे हैं वो चाहे हरियाणा से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, हिमाचल से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, 30% जो है वो लंगर छकते हैं और 70% तो जो आसपास की इंडस्ट्री है, यहाँ से हमारे जो इंडस्ट्री के साथ लेबर जुड़ी हुई है या ये जो टोल प्लाजा है इसके जितने भी कर्मचारी है वो सारे के सारे लंगर यहीं खाते हैं। तो ये खाली ऐसा नहीं है कि ये किसानों के लिए, ये जो बाबे नानक का लंगर है ये किसी पर्टिकुलर एक समाज के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। और लंगर ये ऐसा खुला है कि यहाँ पे गरीब आए उसको भी वही लंगर मरेगा, अमीर आए उसको भी, लंगर में कोई भेदभाव नहीं है। तो ये लंगर जो है अब जब तक हमारे किसान भाइयों का आंदोलन जारी रहेगा तब तक ये लंगर भी जारी रहेगा और ये टोल भी जो है इन्होंने दोबारा जो है टोल भी लगा दिए थे। फिर जो है हमने ये टोल खुलवाया, सबसे पहले ये पानीपत का टोल खुलवाया गया, उसके बाद जो है कल बस्ताड़ा का भी खुल गया, इसी तरह से दोबारा से फिर जो है हम सारे के सारे टोल जो है बिल्कुल फ्री करवाएंगे। जो जैसा कि इनका कहना है कि ये लंगर तब तक जारी रहेगा जब तक ये किसान आंदोलन रुक नहीं जाता। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि ये अन्नदाता अब अन्नदाता नहीं रहे, इसके साथ ही ट्रैफिक को मैनेज करते हुए भी नजर आ रहे हैं।